अरे आज भरी दोपहरिया में घर क्या हुआ? आज तुम्हारे भगवान ने पूरी कृपा बरसा डाली, जरा भी कसर नहीं छोड़ी। अरे क्यों बड़बड़ा रहे हो, हुआ क्या? सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए, ये हुआ। ओले? हाय अम्मा, कहीं चोट तो नहीं लग गई? अरे कहावत है सुशीला, कहावत। सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए, गरीबी में आटा गीला हो गया, मतलब कि जो कुछ भी गड़बड़ाना था सब गड़बड़ा गया। अच्छा लो ये पानी तो पी लो। क्या हुआ? चार दिन पहले बुखार के कारण जा नहीं पाई तो एक दिन की कमाई गई, और आज जो सुबह से पानी बरस रहा है तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूरे दिन में सिर्फ दो ग्राहक आए, एक ने वो पाव भर परमल और एक एक ले एक लौकी खरीदी, और दूसरा वो नाक मुंह सिकोड़ कर चला गया, कहता है कि गली हुई सब्जियां बेच रहे। अब ऐसी मूसलाधार बारिश में सब्जियां गीली नहीं होंगी, गलेंगी नहीं तो क्या अंडे देंगी? कुल मिला के आज ना तो कमाई हुई ना ही दिन अच्छा रहा, और ये सब्जियों का अलग सत्यानाश हो गया। पापा आज मैंने स्कूल में पूरे पूरे शब्द लिखना सीख लिए और 1 से 50 तक गिनती भी। अच्छा शाबाश। ए गुड्डी, तू तो मेहनत करके पढ़ लिख ले ताकि तू तो अपनी आने वाली जिंदगी अच्छी बना सके। शाबाश, चल जा। नंदी गांव से आपकी शांति दीदी का फोन आया था, कह रही थी कि घर की मरम्मत के लिए जीजा जी को यहाँ लक्ष्मीपुरी से कुछ सामान खरीदना था, घंटे भर में दोनों यहाँ पहुँच रहे हैं। कह रही थी कि कुछ रुपया पैसा की भी जरूरी बात करनी है। मदद तो नहीं चाह रही है मुझसे? यहाँ अपना गुजारा तो इतनी मुश्किल से चल रहा है, कमाई का कोई ठिकाना नहीं है, उधर मंडी में सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, और ये जो सब्जियों को संभालना है इनकी आफत अलग है। ऊपर से गुड्डी है, उसकी पढ़ाई है, उसकी शादी करनी है, मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। इकलौते भाई हैं आप, मदद तो करनी ही चाहिए। और फिर जब से जीजा जी को लकवा मार गया है तब से दीदी थोड़ी तो परेशान हुई होंगी ना? अच्छा ठीक है, जाओ थोड़ा पानी और दो, और दीदी और जीजा जी के जलपान का भी इंतजाम करो। अरे हमने तो आप लोगों को परेशान कर दिया है। परेशानी कैसी जीजा जी, घंटा भर टेम्पू में सफर करके आए हैं, थकान तो हो ही रही होगी। थकान इसलिए हो रही है कि सुबह सुबह उठकर ना जाने किस चीज की मरम्मत शुरू कर दी, 3 घंटे लगा दिए। इन्हें देखकर तो पिताजी की याद आ गई, उन्हें भी रात 2:30 बजे भू सवार होता था कि छत की मरम्मत करनी है, बस लेकर हथौड़ी लगे ठोक पीट करने, और नीचे अम्मा बौखला कर जागी, हल्ला मचा दिया कि भूत प्रेतों ने हमला कर दिया है, पिताजी को उठाकर ले गए और अब घर का नाश कर रहे हैं। आधा गाँव इकट्ठा हो गया, तब जाकर पिताजी को समझ में आया कि भोर से पहले कोई भी हरकत करना खतरे से खाली नहीं। अच्छा हुआ मेरी हरकतों से ना भूत आए ना प्रेत और ना ही गांव वाले। पिताजी की ये बात तो थी कि जो करना है अभी करना है, आगे क्यों कुछ नहीं सोचते थे। रुपए पैसे के बारे में भी उनका यही हाल, सब भगवान भरोसे ही रहता था, बचत वचत कुछ नहीं, और अगर कहीं महीने के अंत में 1 रुपया बच गया तो मुझे इंदर और अम्मा को ले जाते थे मेले, और वहाँ खिलाते थे गर्मा गर्म समोसे, वो भी पेट भर कर। आ रहा है स्वाद, आ रहा है। मेरी शादी इनसे हुई तो हम भी ऐसे रहने लगे, बच्चे बच्चे हुए नहीं सो, जो कुछ खेती बाड़ी से कमाया काफी था, थोड़ा बचाया और बाकी सब खर्च। बुढ़ापे की चिंता तो ये अभी 1 साल से ही शुरू हुई। हाँ भाई पिछले साल तो तगड़ा हादसा हो गया, सुबह उठा तो पूरा बाया हाथ सुन, गिलास उठाने की कोशिश की तो हाथ से गिर गया, थोड़ी देर झुंझुनाहट हुई फिर एहसास होने लगा, अब तो संभल संभल कर काम करने की आदत हो गई है, पर इंदर बाबू मन में डर बैठ गया, बुढ़ापे में काम नहीं कर पाया तो। अरे हमारे तो आस औलाद भी नहीं है, किसके आगे हाथ फैलाएंगे, इस बेचारी ने जो कुछ बचा के रखा होगा उससे 1.5 साल का खर्चा चलेगा, फिर मन में डर बैठ गया। खैर अब एक अच्छा रास्ता सामने आया है,
वो दुर्गा जी है ना, वो बता रही थी कि उन्होंने अपने लिए माइक्रो पेंशन का खाता खोला है। माइक्रो पेंशन? हाँ भैया, हम जैसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम है। जवानी में ही थोड़ी थोड़ी बचत शुरू कर दो और बुढ़ापे में उस बचत की कुल रकम के आधार पर जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी। बस बन गया काम, और वो भी 200 रुपए में। 200 रुपए हर महीने कम से कम 200 रुपए की व्यवस्था करनी है और खाता चलता रहेगा। यही रुपए पैसे की बात करने आए थे आप लोग? और नहीं तो क्या भाई, मैंने तो तय कर लिया है कि दुर्गा जीजी से पूछताछ कर अपने लिए भी माइक्रो पेंशन खाता खोल लूंगी। अभी से थोड़ा थोड़ा बचाऊंगी तो बुढ़ापे में कम से कम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं तो तुमसे भी यही कहने आई थी कि तुम लोग भी अपने लिए खाता खुलवा लो। अरे इस माइक्रो पेंशन से तुम्हारा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। मैं आप लोगों के लिए खाने की तैयारी करती हूँ। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। देख सुशीला, भविष्य के बारे में ठंडे दिमाग से तो औरत ही सोच सकती है, आदमी बेचारा तो रोजी रोटी की चिंता में ही परेशान रहता है। ऐसे में बुढ़ापे की बचत के बारे में तो हमें ही सोचना पड़ेगा। बचत तो मैं करती हूँ दीदी, महिला समूह में जमा भी करती हूँ, अचार भी बनाता है हमारा समूह, उससे भी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम शुरू कर दिया तूने। देख इसे तो खूब मन लगा कर करती रहती हूँ, पर साथ ही बुढ़ापे की पेंशन के बारे में भी तो सोचना जरूरी है ना। और जितनी जल्दी माइक्रो पेंशन खाता शुरू करेगी उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलेगी। पर ये दीदी इतनी जल्दी क्यों मचा रही है? अभी कौन सी आफत आ गई है? 27 का भी नहीं हुआ, अभी से बुढ़ापे की चिंता क्यों करूं? अभी तो पूरी उम्र पड़ी है कमाने के लिए। मैं भी अपने लिए यही सोचता था पिछले साल तक, परिंदर बाबू बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते भाग्य में क्या लिखा है ये ना तो मैं जानता हूँ और ना ही तुम जानते हो। बस इतना पता है कि तुम्हारे काम में अभी भी कमाई का कोई ठिकाना नहीं, और इतना भी पता है कि बुढ़ापे में खर्चा चलाने के लिए भी कोई जमा पूंजी नहीं है। बुढ़ापे का कोई ऐसा समय भी आ सकता है जब सब्जी बेचने की हिम्मत नहीं होगी और ना ही कोई और काम करने का दम, उस समय खर्चा कैसे चलाओगे, कभी सोचा है? नहीं। बिल्कुल यही तो मेरा डर भी है कि जब तक सोचोगे तब तक देर हो चुकी होगी, बहुत देर। देख इंदर, तू मेरा छोटा भाई है, मैं नहीं चाहती कि जिस डर का सामना मैं कर चुकी हूँ वैसा ही कोई डर सुशीला या गुट्टी के मन में भी आए। मुझे तो तुझसे भी ज्यादा इनकी चिंता है। तो कहने का मतलब ये है अब तुम दोनों जल्दी से गांव का चक्कर लगाओ और दुर्गा जीजी से सब पूछ पाछ लो और तय कर लो कि माइक्रो पेंशन का खाता खोलना है। क्यों, क्या ख्याल है? अब जरूर आएंगे, पर एक शर्त है। मौसम अच्छा है, पास वाले नुक्कड़ पे गर्मा गर्म समोसे बन रहे होंगे, जाने से पहले एक एक हो जाए। आ रहा है स्वाद आ रहा है। समझने की बात तो ये है कि बुढ़ापा आने पर शारीरिक शक्ति कम होती जाती है, यानी बुढ़ापे में आप आज के जितना ना तो काम कर पाएंगे और ना ही कमा पाएंगे। साथ ही साथ बुढ़ापे में बीमारियों के इलाज का खर्चा भी बढ़ेगा और महंगाई भी दिन पर दिन बढ़ी रही है। भारत में अधिकांश लोग 80 साल की उम्र तक भी जीते हैं, उस समय बच्चों या सरकार पर निर्भर रहना कोई बुद्धिमानी नहीं है। दूसरों के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है आज से ही बुढ़ापे के लिए बचत शुरू करें। बुढ़ापे के लिए माइक्रो पेंशन ही सबसे सरल और सुरक्षित सहारा है, और इसके लिए बचत जवानी से ही शुरू करनी होगी। तो माइक्रो पेंशन खाता खोलने में अब देर ना करें। माइक्रो पेंशन यानी बुढ़ापे में सुरक्षा, इज्जत और ढेर सारी खुशियां।